आपको बता दें, नोएडा में बेखौफ दबंगों का कहर लगातार बरकरार है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे, महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई है। रेप पीड़िता की मां के साथ भी रेप की कोशिश, आप सोचिए जरा क्या हो रहा है। रेप पीड़िता की मां के साथ भी रेप की कोशिश की गई। रेप मामले में आरोपी बना रहा था दबाव, पीड़िता से समझौते का दबाव बनाने का भी आरोप है। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आपको बता रहे हैं, मां के मना करने पर रेप की कोशिश की गई। बेटी से पहले ही रेप, उसके बाद जब मां ने मना किया तो उसके साथ भी रेप की कोशिश की गई है। मामले में आरोपी पहले ही जेल जा चुका है। जेल से बाहर आने के बाद दबाव बना रहा था। ग्रेनो के रबुपुरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। जेल से बाहर आने के बाद दबाव बनाने का आरोप है आरोपी पर, और सिर्फ रेप पीड़िता ही नहीं बल्कि रेप पीड़िता की मां के साथ भी कोशिश की गई रेप की। इसी पर अधिक जानकारी के लिए दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश बताइएगा खबर तफसील से। देखिए, 10 मार्च 2018 को रघुपुरा थाना क्षेत्र में एक रेप हुआ था और उसमें मां ने तहरीर दी थी। उसके बाद एक युवक को जेल भेजा गया था। अब उस वो युवक जेल से बाहर आ चुका, उसने उस जो पीड़िता है उसकी ही मां के साथ रेप करने की कोशिश करी है। उसका वो दबाव बना रहा है किसी भी तरीके से, इस मामले में समझौता कर लिया जाए। लिहाजा इसी को देखते हुए जब मां ने मना कर दिया तो उसके घर में घुसकर उसके साथ रेप करने की कोशिश करी है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, छानबीन कर रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात की हाँ, जिस तरीके से दबंग जो है इलाके में दहशत पैदा कर रहा है, उसके बावजूद भी पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। पहले भी वो जेल जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद जब वो जेल से बाहर आया तो उसकी दबंगई इस कदर हावी है उस पर कि हाँ, घर में घुस करने की कोशिश कर रहा है, वो भी उस छात्रा की माँ के साथ जिसने पहले ही भी उसको जेल भिजवाया था। जी ठीक है दानिश, पहले भी जेल जा चुका है लेकिन जेल से बाहर आने के बाद तेवर वही है, एक बार फिर से धमकाने की कोशिश की गई। शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए, लेकिन भारत समाचार